हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड लेक्चर की। पहले लेक्चर में मैंने आपको जितने भी टाइप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब जितने भी हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से संबंधित जितने भी हमारे एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं वो सारे मैंने लेक्चर नंबर वन में अर्थात वीडियो नंबर वन में मैंने उन सब चीज़ों को अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एडवांस जैसे नोट पॉइंट आपको दिख रहा है कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस में बी का यूज होगा, नो या ऑब्लाइज वाले सेंटेंस में बाई की जगह पर टू लगाएंगे, डिसगस्टेड या प्लीज्ड वाले क्वेश्चन में हम बाई बराबर विद का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कुछ आपके सेंटेंस हैं जो रोज का अपवाद का अपवाद है, उन अपवाद वाले क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन है कह रहा है हिज सक्सेस प्लीज प्लीजेस मी। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने का वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था याद करो जरा। मैंने बताया था पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर आप यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, और बाई का यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, बाई का यूज करने के बाद हम यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फुल स्टॉप। ये तरीका बताया था मैंने आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई, और फिर यहां पर सब्जेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, मी। आपको पता है जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए मी आपका, तो मी का क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। क्या बन जाएगा? आई। तो आपका भी ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म होगी। तो देखिए हिज सक्सेस प्लीजेस मी, तो प्लीजेस लिखा है ना, तो प्लीजेस क्या है, ये प्रेजेंट का है। और मैंने बोला था प्रेजेंट वाले टेंस में हम या तो इस का इस्तेमाल करते हैं, या एम का इस्तेमाल करते हैं, या आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका, इच का, एम का, या आर में से किसी एक का। तो मी का आई बन गया, तो आई के साथ क्या आता है बच्चों, एम आता है। क्या आता है? एम। आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लीज इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लीज्ड। क्या हो जाएगा? प्लीज्ड। ओके, अब सवाल आया वैसे हम लोग क्या लगाते हैं, वैसे हम लोग लगाते हैं बाई, वैसे हम लगाते हैं बाई, और यहां पे हम क्या करते हैं हिज सक्सेस सब्जेक्ट आपका है, तो आप लगा देंगे हिज सक्सेस। लेकिन थोड़ा सा ठहरो, यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस कौन से वाले जिसमें प्लीज आ जाए या डिसगस्टेड आ जाए, तो वहां पर बाई की जगह क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। तो बाई की जगह यहां क्या लगाएंगे हम लोग बच्चों, विद का इस्तेमाल करेंगे, काय का, विद का। अब सिंटेक्स क्या बना, आई एम प्लीज्ड विद हिज सक्सेस, आई एम प्लीज्ड विद हिज सक्सेस। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब जैसे यूज टू, गुड टू, ठीक है, हैव टू, हैड टू, या वो कैन, कुड, मस्ट, ठीक है, वुड, शुड, ये सारी चीजें हमारे मॉडल वर्ब्स में आती है। अगर मॉडल वर्ब्स दिए हैं तो मॉडल वर्ब में क्या करेंगे आप वहां पर उन मॉडल वर्ब के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। काय का इस्तेमाल करेंगे? बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यू आउट टू रिस्पेक्ट योर मदरलैंड। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है इसमें योर मदरलैंड। क्या दिया है? योर मदरलैंड। तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे योर मदरलैंड। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आपको यह देखना है हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या दिया है, आउट टू दिया है। क्या दिया है? आउट टू। तो आपको पता है कि आउट टू का आउट टू रहेगा, मॉडल वर्ब कभी बदलते नहीं है। तो योर मदरलैंड आउट टू। और आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला कि अगर सेंटेंस में हैज या हैव दिया होता तो हम क्या लगाते हैं, तो हम बीन लगाते हैं। ठीक, अगर पहले से इज, एम, आर प्रेजेंट होता सेंटेंस में तो हम लोग बीन लगाते हैं। ठीक है, वाज या बर होता, वाज या बर दिया होता, तब भी बच्चों हम लोग बीन लगाते हैं। रूल याद हो रहे ना आपको? ठीक है, अगर कैन, कुड, शुड, मस्ट ये सब दिया हुआ है तो हम लोग बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। तो देखिए भाई, मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका योर मदरलैंड, योर मदरलैंड हो गया। फिर आपने आउट टू लिखा, आउट टू हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। लेकिन एक मिनट, मैंने आपसे बोला इसके बाद हम क्या लगाएंगे, मॉडल वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, बी का।
योर मदर लैंड आउट टू वी, ठीक है, जैसे हम लोग एजेएमआर के साथ बींग जोड़ते हैं, ऐसी आउट टू, सुट टू, मस्ट टू, ये जो मॉडल वर्ब से उनके साथ बी जोड़ते हैं, ठीक है। तो योर मदर लैंड आउट टू वी, हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब आपका रिस्पेक्ट है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिस्पेक्टेड, क्या हो जाएगा रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड हो गया। और फिर क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो हम यू का यू लगा देंगे। सेंटेंस आया सुन में, योर मदर लैंड आउट टू बी रिस्पेक्टेड बाई यू, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो अपवाद के फॉर्म में है, तो उन अपवाद वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है इस वीडियो में, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, आई नो हिम वेरी वेल, देखिए किसका इस्तेमाल हुआ है, नो का, और नो वाले सेंटेंस मैंने क्या बोला, जहां वाई लगाते वहां वाई ना लगा के क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये चीज क्या है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है बच्चों, क्या है एक्स्ट्रा वर्ड, इसको सबसे लास्ट में लगाइए, हिम है हिम, तो हिम क्या है, अब हिम का आप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट लिखिए, हिम का क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। अब आप देखिए प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो आपने कहा फ्यूचर का होता तो बिलियस एल का इस्तेमाल होता, वो है नहीं, अगर ये आपका पास्ट का होता तो ही सेकंड फॉर्म होता, नो नहीं होता, होता नोन लिखा होता, ठीक है, वो भी नहीं है, नो लिखा है इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, और प्रेजेंट का टेंस है तो एज एम आर में से एक इस्तेमाल होगा, ए के साथ क्या इस्तेमाल होगा, ही के साथ इस्तेमाल होगा इच, तो ही इच आपका हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन, नो का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होगा, नोन, क्या होगा नोन। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई, बाई करेंगे, देखिए भाई ही इज नोन, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, बाई, क्या बाय लगाएंगे हम, देखिए नो वाले में बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे टू, बस बस यही ध्यान रखना है आपको, बाय जहां लगाते हैं वाई ना लगाकर टू लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है आपका आई, तो आई का क्या हो जाएगा मी। एक्स्ट्रावर्ट क्या है, वेरी वेल, तो ये सबसे बाद में लगाएंगे, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, ठीक है, समझ में आया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल ऑब्लाइज मी, तो ये सेंटेंस भी देखिए ऑब्लाइज वाला सेंटेंस है, मैंने आपसे कहा नो या ऑब्लाइज आ जाए तो वाई की जगह टू का इस्तेमाल करते हैं, बाकी रूल सब सेम रहता है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट मी, मी का क्या हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अब देखिए बिल दिया है तो बिल आई और बी के साथ क्या आता है, सेल आता है, बिल नहीं आता है, तो सेल आ गया, और आपको पता है कि अगर बिल या सेल पहले से प्रेजेंट है, बिल या सेल पहले से प्रेजेंट है तो हम क्या जोड़ देते हैं, बिल बी जोड़ देते हैं, बिल भी सेल भी कर लेते हैं, तो आई सेल वी, आई सेल वी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑब्लाइज्ड, ठीक है, ऑब्लाइज्ड हो गया, क्या बाई लगाएंगे हम, नहीं बाई नहीं लगाएंगे, बाई की जगह पे क्या लगाएंगे टू, क्योंकि ये अपवाद वाला सेंटेंस है, नो या ऑब्लाइज आएगा तो बाई की जगह पे टू लगाएंगे, टू आ गया। सब्जेक्ट चाहिए, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर आई सेल वी ऑब्लाइज टू हिम, तो ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने डिस्कस किए जो आपके अपवाद वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, कौन से वाले हैं, अपवाद वाले, ठीक है, धन्यवाद। देखिए अपवाद में एक रूल ये भी है, कौन सा, अगर सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ट, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड और शॉक्ड, अगर ये वर्ब के जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा वर्ब के जगह इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो वहां पर जहां पर आप बाई का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वहां बाई का इस्तेमाल ना करके आप एट का इस्तेमाल करिए, काय का इस्तेमाल करिए, एट का, काय का इस्तेमाल करिए, एट का, याद रखिए। मैंने अभी अभी आपको अपवाद वाले कुछ सेंटेंस बताए, मैंने कहा अगर सेंटेंस में ऑब्लाइज आ जाए, प्लीज आ जाए, ऑब्लाइज और प्लीज आ जाए तो हम, सॉरी ऑब्लाइज आ जाए या नो आ जाए, ऑब्लाइज या नो तो बाई की जगह पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लीज आ जाए मतलब प्लीज आ जाए या डिस्कस्टेड आ जाए तो वहां पर हम बाई की जगह विद का इस्तेमाल करेंगे, और इन वर्ड्स में से कोई वर्ड आ जाए तो बाई की जगह पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जैसे सेंटेंस आपके सामने बनाते हैं, उसको पहले चाहिए होता ऑब्जेक्ट तो मी हम उठाएंगे, मी का क्या बनाएंगे आई, क्या बनाएंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सवाल ये आया कि ये प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट का या फ्यूचर का, तो आपने कहा सर एस्टोनिस्ट ईडी लगा हुआ है मतलब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो कंफर्म है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट का है तो पास्ट का सेंटेंस है, तो मैंने आपको बोला पास्ट वाले में वाज या बर का इस्तेमाल करते हैं, अब खुद डिसाइड करो आई के साथ क्या आएगा वॉच,
क्या आएगा, वॉच। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो एस्टोनिस्ट का एस्टोनिस्ट, ठीक है, जो दिया है वो हम उसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। फिर बाई लगाते हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में चूंकि एस्टोनिस्ट का इस्तेमाल हुआ है इसलिए बाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक, बाई की जगह पे क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सब्जेक्ट है हिज कंडीशन। सब्जेक्ट क्या बच्चों, हिज कंडीशन। आपको पता होगा जहां अपवाद ज्यादा होते हैं सेंटेंस पूछे भी वहीं से जाते हैं, क्योंकि सब बच्चों को तो एक पता है कॉन्सेप्ट कि बाई का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सभी को पता है सब बाई लगाना है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां अपवाद के रूप में बाई की जगह पे एट का इस्तेमाल होता है, बाई की जगह पे विद का इस्तेमाल होता है, बाई की जगह पे टू का इस्तेमाल होता है, और ये बात बच्चों को याद नहीं होती और वो मतलब ऑब्जेक्टिव चार में से बाई वाला टिक कराता है और आप उसे लगता है कि मैंने सही किया, उसका एक नंबर चला जाता है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहां पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स है तो वाई की जगह पे एट लगाएंगे, वाई की जगह पे एट लगाएंगे, ठीक है। और ऑब्लाइज दिया है कहीं, क्या दिया है, ऑब्लाइज दिया है कहीं तो हम वहां पर ऑब्लाइज है, या नो दिया है तो वहां पर आप बाई की जगह पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। डिसगस्टेड दिया है, क्या दिया है, डिसगस्टेड दिया है, या प्लीज्ड दिया है तो वहां पर आप क्या करेंगे, बाई की जगह पे आप विद का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। चलिए सेंटेंस को बना लेते हैं। पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी का क्या होगा, मी का होगा आई, ठीक, आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैज दिया है बच्चों, आई के साथ हैज नहीं हैव आता है तो आई हैव। और मैंने आपसे कहा अगर हैज है पहले से प्रेजेंट है तो क्या जोड़ता है, बीन जोड़ता है, क्या जोड़ता है बच्चों, बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, ओके। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डिस्प्लेस्ड ऑलरेडी दिया है तो हम लगा देंगे जब दिया है तो, ठीक। फिर बाई, बाई नहीं लगाना बच्चों, डिस्प्लेस्ड वाला सेंटेंस है और डिस्प्लेस्ड वाले सेंटेंस में बाई की जगह एट का इस्तेमाल करते हैं तो एट आ गया, ठीक। फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, योर बैड बिहेवियर, योर बैड बिहेवियर, तो सेंटेंस समझ में आया आपको, आई हैव बीन डिस्प्लेस्ड एट योर बैड बिहेवियर, ओके फाइन, थैंक यू सो मच।